आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपनी स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर दोनों कैंपस के आसपास के 25 गांव को गोद लेने का निर्णय लिया। इसके तहत इन गांव के लोगों को कानूनी सलाह, फाइनेंशियल लिटरेसी, साइबर एजुकेशन और खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रजत जयंती का शुभारंभ 2 दिसंबर को द्वारका कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर साल भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का एक कैलेंडर भी जारी किया गया। यूनिवर्सिटी के 25 सालों की विकास यात्रा को दर्शाती एक फिल्म भी इस अवसर पर दिखाई गई। यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम दिल्ली की चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से एक हैं। आम लोगों तक इस यूनिवर्सिटी की पहुंच बढ़ाने के लिए हम कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के दौरान कल्चरल फंक्शन भी किए गए।